आज शाम हॉस्टल वापस लौटने में देर हो गई थी, तब तक मेस का खाना भी खत्म हो चुका था। वैसे खाने का मन जरा भी ना था। दो दिन बाद कॉलेज में फेयरवेल जो था, एक तरफ दोस्तों से बिछड़ने का गम सता रहा था और दूसरी तरफ पूजा। नहीं नहीं, प्यार नहीं करती थी, मतलब हम करते थे, वो नहीं करती थी। नहीं मतलब वो भी करती होगी, हमें मालूम नहीं। वैसे इतने बुरे थोड़ी दिखते हैं हम। मम्मी मेरे हैंडसम लुक्स के चर्चे पूरे मोहल्ले में करती हैं। एक्चुअली उसे मालूम नहीं था कि हम उसको इतना प्यार करते हैं, कभी कहा भी तो नहीं। लेकिन उसको समझना चाहिए ना कि कॉलेज में हम इकलौते हैंडसम सिंगल बचे हैं, बाकी तो सभी बुक्ड हैं। एक बार तो गुड्डू भी उसे कहने वाला था, मतलब प्रपोज करने वाला था। अरे खुद के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, नहीं दोनों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। आप समझ रहे हैं ना, ये दिल्ली आकर हमारा हम मैं हो गया और हम यहाँ है कि किसी के ना हो पाए। बड़ा कंफ्यूजन है भैया। खैर भारी मन से मैं हॉस्टल पहुंचा। कमरे में घुसते ही पहले मैंने अपना बैग कोने में पड़े टेबल पर रखा और झोले पे पड़े कपड़े को दीवार पर टांग दिया। मेरी बाईं तरफ सुमित बैठा था। उसने कहा, महाराज आ गए पिज्जा लेके? नहीं लाए हैं, मैंने मायूस मन से कहा। क्यों, भूल गए? उसने मुझे घूरते हुए देखा और कहा, अच्छा टेडी बियर तो खरीदना नहीं भूले होंगे। ओ शिट, क्या हुआ? अबे यार भूल गए, कल कैसे उसको बोलेंगे? उसने मेरी तरफ देखा और डिसअपॉइंटेड तरीके से कहा, क्या? अरे यार प्रपोज कैसे करना है? उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देवदास से कम थोड़ी है, सामने जाना और मुंह खोल देना और खाली हाथ, और नहीं तो क्या, नहीं तो जायदाद लिख देना अपने हीर के नाम। अबे यार मजाक मत उड़ाओ, जिंदगी मौत का सवाल है यहाँ हमारा और तुम। अबे गुरु ये बताओ, सच्चा प्यार करते हो? एकदम सच्चा वाला, तुम्हारी कसम। अबे हमें ले डूबोगे? हमारी कसम ना खाओ साले, अभी तो हम सही से एडल्ट भी नहीं हुए हैं। अरे यार अच्छा पूजा की कसम, अच्छा ये सब छोड़ो, कुछ आइडिया दो ना। सुनो हमारी मानो, अगर सच्चा प्यार करते हो तो वो जो स्लैम बुक दिया है ना उसने, लाल कर दो उसे। नहीं यार पेंटिंग का शौक थोड़ी ना उसे, कुछ और बताओ। खाली नाम ही माँ बाप ने हीरो वाला रखा है, दिमाग से बाकी पैदल हो। मम्मी पापा पे मत जाना, मैंने गुस्से में कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, हमारा मतलब स्लैम बुक में रंग सिहाई का नहीं खून का चढ़ा दो। अबे पगला गए हो क्या, और खून कहाँ से लाएंगे? अबे मेरे देवदास, प्यार कौन करता है? हम करते हैं, तो खून कौन देगा? हम देंगे। जी जनाब आप देंगे, और तब तो मना भी नहीं कर सकती। अच्छा, इतना कहकर दोनों लग गए स्लैम बुक में रंग चढ़ाने। बचपन में ऐसी कई नादान हरकतें हम कर बैठते हैं बिना इसके आउटकम को जाने। स्लैम बुक में कितना रंग चढ़ पाया, पूजा को यह रंग कैसा लगा और लड़का प्रपोज करने का अपना सपना पूरा कर पाया या नहीं, ये जानने के लिए सुनते रहिए लव्स छू जाते हैं विद रणवीर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।